सोचेंगे कि बहुत दिनों से बहुत मुश्किलों से ये वक्त हम सब ये देख रहे हैं, तो बस आप सबको दुआ करनी है और हम सब दुआ करेंगे कि ये दिन हर एक लड़की जिसकी भी शादी हुई है, जिसको भी औलाद नहीं है, हर एक इंसान को ये दिन दिखाए। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, आप परेशान मत होना, सालों साल बाद भी करिश्मे होते हैं और अल्लाह औलाद देता है, आप लोग हिम्मत मत हारिए। आमीन। और बस आप सब लोग ऐसे दुआ करते रहिए और भाई भाभी को भी दुआ सब भी नवाजते रहिए जब तक सब चीज अच्छे से नहीं हो जाती। हाँ, बस अभी हम लोग ज्यादा कुछ भी इस बारे में नहीं बात करना चाहते, नहीं बोलना चाहते, बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है, बस आपकी दुआ चाहिए। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह आई लव यू। अल्लाह हाफिज। हे गाइस, जैसा कि आपको पता है, दीपिका इब्राहिम अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं बेबी के साथ। तो उनके वेलकम के लिए घर वालों ने बहुत जोरों शोरों से तैयारियां कर दी हैं, तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सबा भी मुंबई वापस आ गई है बेबी के वेलकम के लिए। तो आप भी कमेंट करके दीपिका इब्राहिम के बेबी को ज़्यादा ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जल्दी ही उनके घर पर अब बेबी आ जाएगा घर वापस। तो वह बहुत सारी तैयारियां करेंगे, बहुत सारे फंक्शन अभी उनको मनाने हैं, तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। हमें कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।